अच्छा पहले खान पान क्या था, जिसके कारण और भी कुछ बातें होंगा, खान पान में क्या खाते थे लोग पहले, ये धान गेहूं वगैरह होता था कि नहीं? ये धान बहुत कम होत रहा, गेहूं होत रहा, चना होत रही, मटर होत रही, अरहर होत रही, बाजरी जोनहरी, बाजरी जोनहरी होते, जवा होत रहा, गेहूं बहुत कम है होत रहा। तो ये जो मोटा महुआ का पेड़ है, हाँ, सबसे मेन खुराक जो था महुआ का पेड़। महुआ भी लोग खाते थे क्या? तनिक ना ढेर बरसात, पूरी बरसात खावा जाता। अच्छा महुआ किस तरह ये सेवन लोग करते रहे ने, महुआ के कैसे खावा जाता रहा ना शुरुआत? महुआ से भूजा जा, और ये भी जैसे कि लोग नशा पत्ती ज्यादा कर रहे हैं, गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस, इससे भी क्या फर्क पड़ता है, पड़ सकता है कि नहीं? ढेर फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा, वहाँ बहुत फर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस, हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ झलिया बिशंभरपुर जिला प्रतापगढ़। हमारे साथ जो है दादाजी मौजूद हैं, जो कि इनकी उम्र लगभग 88 साल 89 साल हो गई है। तो यही हम जानकारी लूंगा कि जो है पहले के व्यक्ति जो है लंबे समय तक क्यों जीवित रहते थे, क्या कारण हो सकता है, और अभी जो है इतना ज्यादा समय तक नहीं जीवित रह पा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है, सारी चीजें आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलिए। सर अपना नाम बता दीजिए। सुखाई। तो ये बता दीजिए दादाजी कि जैसे पहले देखा जाता था कोई 100 साल 110 साल 120 साल में पहुंच जाते थे, ऐसा होता था कि नहीं? हाँ होते, खान पियन से तब खादी वाला दाना ना खाया जाता रहा, यानी कि खान पान भी फर्क पड़ता है, खान पियन का फर्क है। तो जो मान लो कि 110 साल 120 साल जीते थे, इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य रीजन क्या है? हमारे गांव में दवाई ना होते, डॉक्टर नहीं रहे, बाजार में एक थे नहीं रहे। अच्छा, तो लोग जो है जैसे कि बीमार भी ज्यादा पड़ते थे कि नहीं पड़ते थे? बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते, जो बुखार जुखाम हो जाए नीमे के सीका पी ले, छाली पी ले, ठीक हो जाते हैं, देसी दवाई, देसी दवाई। तो इसका जैसे कि अभी जैसे कि हम लोग इंसान देखा जा रहा है कि बहुत कम ही उम्र में 35-40 साल 45 साल 50 साल में वो मरीज बन जा रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं और मृत्यु भी हो जा रही है, तो उसका मुख्य कारण बताइए जिससे कि वो लंबे समय तक जीवित रहते थे क्या है? हवाई है। जहर में क्या क्या अभी को नजर आ रहा है, इसमें क्या क्या जहर है? यूरिया खाद, डाई खाद, दवाई छिड़की जाती है खेती में, यह सब असारा, यानी कि जो डाई डाला जा रहा है, पोटास डाला जा रहा है, यूरिया खाद डाली जा रही है, कीड़ी मारने की जो घास जलाने की दवा आ रही है, ये सब हानिकारक है? हाँ ये सब असर है, यानी कि ये चीजें पहले थी कि नहीं? भाई पहले नहीं रही भाई। ये 1960 में, यानी चकबंदी से पहले भी खाद वगैरह आता था? नहीं, चकबंदी से पहले, चकबंदी 1970 में हुआ है। हाँ तो लगभग 10 साल की 15 साल की 20 साल कब मतलब ये खाद वगैरह आवे लगे, ज्यादा से ज्यादा कितना आपके हिसाब से? चकबंदी 70 में भाई है, 60 तक एक प्रचार नहीं रहा। अच्छा, इनका कहना ही कि 1960 तक ये खाद वगैरह नहीं थी, प्रचार भी नहीं था। तो ये लगभग कितना वर्ष हुआ होगा कि ये खाद वगैरह अपने यहाँ जो है भारत में आ गई? 30 साल हो गए होंगे। कितना साल? 30 साल 40 से ज्यादा ना, यानी कि 30-35 प्रचार प्रचार भाई, यानी कि चकबंदी की बाद से ही शुरू हुआ है खाद? नहीं नहीं, चकबंदी पहले से? नहीं बाद से भाई, बाद से, यानी 1970 में 72 में चकबंदी हुई है, और उसके बाद अगर हम 70-72 मान ला 80 मान लेते हैं, फिर भी अगर 20-20-40 लगभग 35-40 साल लगभग, हाँ 35-40 साल से हुआ है। तो ये जो खाद वगैरह डाला जाए, क्या इससे लोगों को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा। अच्छा पहले खान पान क्या था, जिसके कारण और भी कुछ बातें होंगा, खान पान में क्या खाते थे लोग पहले, ये धान गेहूं वगैरह होता था कि नहीं? ये धान बहुत कम होत रहा, गेहूं होत रहा, चना होत रही, मटर होत रही, अरहर होत रही, बाजरी जोनहरी, बाजरी जोनहरी होते, जवा होत रहा, गेहूं बहुत कम है होत रहा। तो ये जो मोटा अनाज लोग खाते थे जैसे चना मटर बजरी जोनहरी बर्रे होता था, बर्रे क्या बोलते थे? हाँ बर्रे होत रही है, बर्रा होत रहा, और बाद से ये जवन महुआ का पेड़ है, हाँ सबसे मेन खुराक जो था महुआ का पेड़, महुआ भी लोग खाते थे क्या? एमा
तनिक ना ढेर बरसात पूरी बरसात खावा जाता। अच्छा महुआ किस तरह सेवन लोग करत रहने महुआ के कैसे खावा जात रहा ना शुरुआत? महुआ से भूजा जात रहा तब खावा जात रहा, महुआ बैठाई हुए खावा जात रहा, अरहरी की दाली में खावा जात रहा, हर तरह से खावा जात रहा। जैसे कि महुआ कहा मटर में कुछ मटर में चना में मटर में महुआ मिलाए तब खाए? हाँ तब वो खावा खावा जात रहा भाई। ताकती चीज है महुआ? बहुत ताकती है, बहुत ताकती है। हाँ यानी महुआ। अच्छा महुआ में ऐसा आपको लगता है कि उसमें कोई मिलावटी चीज हो रहा है कि नहीं? अभी ओमा कौन मिलावटी का, यानी कि महुआ अभी भी ताकतवर है? अभी ताकतवर है, ओमा कौन दवाई पड़ती का? हाँ ये बात है कि अभी महुआ में कोई दवा नहीं पड़े, महुआ बहुत ही ताकतवर है, तो लोग खाए चाहिए कि नहीं महुआ? आमे आमे में ताकत ना है ना दवाई पड़ बार की महुआ में दवाई नहीं पड़ती है। नहीं बात सही है कि आम में दवा पड़ रही है लेकिन महुआ की जो ऐसा वृक्ष है उसमें कोई भी तरह का दवा नहीं पड़ रहा है अभी, वो सही है। तो जो है अभी के लोग जो है महुआ खाते हैं अभी, यहाँ तो हजम क्यों नहीं होता, कारण क्या है? वह कमजोरी, कमजोरी है। हाँ जैसे महुआ हजम नहीं हो रहा है, मटर चना बर रहे ये सब आधा किलो महुआ हजम कर ले जाओ। तो लोग जैसे हजम नहीं कर पा रहे इसका मतलब उनको कमजोरी है भाई, उनका लेबर कमजोर है की बात जहाँ खवाई है। आप लोग जो है कमजोर। और ये भी जैसे कि लोग नशा पत्ती ज्यादा कर रहे हैं, गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस, इससे भी क्या फर्क पड़ता है, पड़ सकता है? ढेर फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ बहुत फर्क पड़ेगा, यानी नशा कभी जो है किसी फायदा नहीं किया? पहले गांजा बहुत कम, गांजा आदमी बहुत कम पीते रहे हैं। अब तो ऐसा कोई है व्यक्ति जो गांजा दारू पीने की वजह से उनको नुकसान हुआ है आपके नजर में कोई ऐसा? ना एक ना बता पाऊ, एक ना। यानी कि इतना आपको कमजोर आदमी देखा था ही? अच्छा वही जो गांजा है, गांजा से यानी दारू गांजा बीड़ी सिगरेट सुरती गुटखा खाने वाले उन स्वस्थ, उनका थोड़ा गड़बड़ हो जाए? बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। अच्छा जैसे कि हजम नहीं हो पा रहा है, जैसे ज्यादा नशा ज्यादा कर रहे हैं गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट का, क्या इससे वजह से भी उनको जो है शरीर का लीवर कमजोर हो सकता है? बिल्कुल कमजोर हो, शरीर कमजोर हो, मर सकते हैं ऐसा भी नशा से। तो इसीलिए जो है सबसे यही निवेदन है कि नशा से दूर रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और अच्छी से अच्छी चीज खाने की कोशिश करें। तो अभी एक और भी आता था सावा वगैरह, अभी तो नहीं दिखाई देता वो, नहीं दिखाई वो खावा जाता भात। सावा खाए कैसे खावा जाता है सावा? अरे सावा का भात खावा जाता भाई। और ये जो बजरी होत रही बड़ी बड़ी बजरी, तो भात और खावा जाता, रोटी खाई जाते है। तो पहले जो बजरी जो रही चना मटर रही उसमें ताकत रहन की हमें ताकत बार ताकत ना हमारा ताकत ही। और अभी के देखा जा रहा है कि इसमें कि दूध में भी फर्क है, घी में भी फर्क है। पहले मतलब कहा थी दूध अलग ही रहता रहा ना, घी अलग ही रहता रहा, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बतावा कि वह चारा वो खाती है, भैंस भी वह चारा खाती है, जो खाद दवाई सब असर जातवा तो उसके दूध में फर्क जातवा। यानी कि आप जो बात कह रहे हैं कि जैसे कि धान में डाला जा रहा है, गेहूं डाला जा रहा है, तो वही भूसा हो रहा है, पैरा हो रहा है, वही पशु खा रही हैं, इसके उनके दूध का जो है ताकत भी थोड़ा डाउन है, और उनके घी का जो खुशबू थी पहले महक बहुत तेजी आता था वो भी खत्म हो गया है। और लोग जो है पहले लंबी उम्र तक जीवित रहते थे, यही कारण है कि दवा मुक्त थे। जैसे लोग बीमार पड़ते तो क्या करते हैं, जैसे बुखार सर्दी जुकाम हो गया, शरीर में दर्द है तो क्या करते हैं? दवाई बता दीजिए, नीमी के पेड़, हाँ। कंजा के पाती, हाँ। तुलसी के पाती, हाँ। यह सब बलका वलका बने समझ लगे भटकैया का है, हाँ। यही चुड़े के गरमा के पी लेते हैं आदमी ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर देखते नहीं रहे। अच्छा यहाँ लगभग दवा खाना जो होता था दवा खाना, यहाँ से कितना दूर रहन, लगभग कहाँ यहाँ रहन है अपने बाजार में लेके आसपास कहाँ रहते हैं? यहाँ रह भाई नहीं गया, उदयपुर में दिलवर सिंह ठाकुर मलिट्री में डॉक्टर रहे हैं। वो रिटायर हो गया है, वो साइकिल से आवत है यहाँ, अगर बहुत सख्त बीमार हो जाए नमूनिया जी का कहते हैं तो वही आवत रहे। दुर्गा गांव में एक खेत डॉक्टर नहीं रहे। तो जैसे दादा की यहाँ मान लीजिए कि उम्र पहले 110 साल 107 साल 115 साल तक लोग जीवित रहत रहे ने, देखे रहे हैं आप? हाँ भाई। तो अभी जैसे कि मान ला 40 45 में खत्म हो जाता है, तो एक सबसे बड़ा रीजन यही है खान पीन, खान पीन। तो अभी की अभी के जो लौंडे हैं लड़के हैं वो लगभग अब कितना वर्ष तक जीवित रहेंगे लगभग? हम तो जानते अब
हमार हम इनका 80 के हो गया है, 88 के हम वो आधे पर रहिए ही, यानी 40 से 50 तक, 50 तक हद हो गया है। शराब ज्यादा पिए लगे। अच्छा अच्छा, शराब से और नाश कर। अच्छा, शराब से कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, बहुत नुकसान। शराब से क्या क्या नुकसान होता है? अरे कलेजे खा लिए, वो हमने तेजाब बना था। जैसे कि शराब पीने से भी लोग को बताया जाता है, काफी लोग भी कहते हैं शराब पीने से किडनी, गुदा, फेफड़ा इसमें बहुत ज्यादा होता है, सब खराब हो जाता है। तो इसी तरह से अगर अगर लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं, तो क्या करें बताइए? लोग लंबी उम्र से उम्र तक कैसे जी सकते हैं? आप जी हैं कैसे जी हैं? खान पीन बढ़िया मिले उनका। अच्छा। तो कैसे मिले? तो फिर भी कोई तो उपाय हो भैया, ऐसे करे थोड़ा लंबी उम्र तक जी ही। सब साल नशा बूटी जी करें। हाँ। नशा बूटी जी खान पीन अच्छा करें, इसे नशा बूटी से बचत रहा तो आयु बढ़ सका था। और उसके बाद दौड़ धूप एक्सरसाइज कसरत। हाँ, तब आयु बढ़ सका था। अच्छा, क्या योगा करने से, कसरत करने से कुछ शरीर में फर्क पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अपने शरीर के अंदर ताकत, इम्यूनिटी पावर या उम्र ऐसा कुछ बढ़ सका? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सका भाई। ये एक्सरसाइज करता है, दौड़ करता है, कुश्ती ना लड़ता है, सिर्फ एक्सरसाइज करता है, दौड़ करता है, सपाट मारता है, दंड बैठक करता है, तो उनके लिए का उनके भाई अच्छा भाव, उनका दिक्कत नहीं है, उनका दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही है जो है, अभी लोग कम उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं। मुख्य कारण है खान पान है। और अभी लंबे उम्र तक जीवित रहना चाहते हैं तो अपना एक्सरसाइज करिए, दौड़ करिए, धूप करिए और तेल मालिश करिए, खाना पीना दूध घी मलाई ये सब खाइए और नशा मत करिए, जो दारू गुटखा बीड़ी सिगरेट अरस चरस गांजा ये सबसे दूर रहिए, शरीर बहुत बढ़िया बनेगा, लंबे उम्र तक जीवित रहेंगे। नशा बूटी गए तो आयु घटे के बाद। हाँ। देख लीजिए दादाजी बता रहे हैं, अगर नशा करोगे तो आयु घटना है, जल्दी मृत्यु होगी, अंदर कुछ न कुछ कमी आ जाएगा और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।